राजद कार्यालय के बाहर खड़े हैं तेजस्वी यादव जो है एक दिवसीय धरने पे बैठे हुए आरक्षण के मुद्दे को लेकर। और हमारे साथ यहाँ लालू यादव के जबरा फैन भी है जो कि आज एक नए टाइप का क्या पहने हुए हैं। ये हमारा तीन मांग है आज यहाँ, मांग एक है, एक मांग है कि आसमान को छूती महंगाई को जमीन में उतार कर लाने को, दूसरा मांग है कि नौवीं सूची में लागू किया जाए जाति गणना को, तीसरा है संविधान को छेड़छाड़ नहीं किया जाए, और जब तक लागू नहीं होगा, जब तक लागू नहीं होगा ये चालू रहेगा और तैयारी जारी रहेगा। नाम पहने क्या है ये महंगाई डाइन खाई जा रही है, महंगाई के मारे आज पहले दाल भात तरकारी चलता था, आज माल भात चलता है, रोटी सब चलता है, नीमा रोटी चलता है, स्कूलों से नाम कट रही है। हम गरीब आदमी हैं, 200-300 आदमी की डेली मुलाकात करते हैं, हम फेरी करते हैं, उसे समझ में आता है कि कितने दुखी हैं महंगाई से। आज 370 हटा उससे कोई फायदा नहीं हुआ, आज ये क्या कहते हैं मंदिर बन गया उसे कोई फायदा नहीं हुआ, पर महंगाई बढ़ गया उसे बहुत नुकसान हो गया। हम बहुत क्षुब्ध हैं, हम बहुत कुंठित हैं इस बात से कि इनके सरकार में तीन गुना महंगाई बढ़ गया। 300 वाला गैस पहले महंगाई कहाँ था, 300 वाला गैस 1200 हो गया, 4 गुना बढ़ गया 70 सालों में, 4 गुना यानी 70 × 4 140 साल के अवधि में जितना महंगाई बढ़नी चाहिए इनके सरकार में उतना बढ़ गया है, तो ये बहुत मुश्किल हो गया है। आज गरीब गुरबाएं बेबस से लाचार हैं और इनका अत्याचार है। देखिए पहले लिखा हुआ है पुरानी स्कूटर चोरी होने पर इतना क्यों रो रहे हो, कल ही फुल टैंक करवाया था साहब। स्कूटर पुराना चोरी हो गया इसका गम नहीं है, गम इस बात का है कि महंगाई वाला तेल जो है हम बढ़ाए थे बड़ी मुश्किल से, बड़ी जुगाड़ करके, और तेल सहित पार हो गया, तेल चोरी हो गया इसका गम है। और सिलेंडर उड़ रहा है, हाँ सिलेंडर उड़ रहा है और लोग पकड़ रहे हैं, पैसा में बजट नहीं, बजट कमजोर है इसे भाग जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं। अच्छा लोग पकड़ रहे हैं, महंगाई डाइन खाए खा जाए। और क्या क्या बना हुआ है नीचे लिखा हुआ, विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में वादों का अंबार देख लो अन्नदाता तुम्हारे लिए ही पका रहे हैं। महंगाई का जिक्र किया गया है, तेल तेल वेल का है, महंगाई माता बानी पीछे भी है, महंगाई को बढ़ती महामारी घोषित किया जाए, एक कदम आसमान के छूते महंगाई को जमीन पर उतार कर लाने की ओर। महंगाई के चित्र बनाया गया है कि किस तरह से आमदनी है, महंगाई है, महंगाई की मार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी जनता बेबस और लाचार है। जब तक जुमलेबाजों का सरकार रहेगा तब तक महंगाई में रफ्तार रहेगा। मात्र 75 रुपए वाला तेल 150 रुपए हो जाता है और 300 रुपए वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपए हो जाता है, तो फिर जनता के हृदय में यही कविता आता है। बहुत सारा यहाँ पे कवि विनय बिहारी जी लिख के लाए हैं, लालटेन भी लिए हुए हैं। इतना महंगाई बढ़ गया है, बहुत महंगाई बढ़ गया। आदमी जिंदा है क्योंकि खुदकुशी नहीं करेगा इसलिए शर्मिंदा है, किसी तरह गुजारा चल रहा है। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी यकीन मानिए, जिस दिन जुमलेबाजों की सरकार जाएगी महंगाई जमीन पर आएगी, लालटेन जलेगा, ये तो बुझा हुआ है लालटेन जलेगा। 2025 में जनता जलाएंगे और जनता इनमें प्रकाश पूंजित कराएंगे, किसमें जलेगी लालटेन, हर हाल में जलेगा और प्रकाश पूंजित हो जाएगा और गैस के दाम घट जाएंगे और सब्जी के दाम घट जाएंगे और बहुत सारे सुविधाएं आएंगे और आंखों के आंसू सूख जाएंगे। 25 में आंखों के आंसू सूख जाएंगे और दिल में तेजस्वी की सरकार बनेगी, बन जाएगी। प्रशांत किशोर को जानते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर वो सलाहकार हैं, किसी किसी को सलाह दे दे के आगे बढ़ाए हैं। और सुन ले बताते हैं, जो आदमी धक्का देने वाला को अपना नाम बना लिया है वो आगे कभी नहीं आ सकते हैं। और सुन लिए, पीछे से सलाह दे के बैठ करना और पीठ पर खड़ा होकर रन मारना वो अलग बात है। तेजस्वी यादव जी ने 2020 में दिखा दिया है, 24 में दिखा दिया है और 25 में दिखाएंगे। खिलाड़ी उसी को कहते हैं जो खेल के मैदान में आते हैं, शुरुआत करने वालों को नहीं। और बताते हैं आपको लालू जी के बारे में कविता सुना जाते हैं, सूरज सा तेज नहीं लालू जी में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से जुमलेबाज ए पलटू कुमार, लालू जी के कब तक तुम रुकोगे। लालू जी उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पल कर लालू प्रसाद यादव भी मृत्यु से जीवन खींचा है। धरना में बैठे हुए इसलिए कि जाति गणना को नौवीं सूची में नहीं लागू किया गया है, उनको लागू करना है,
इसलिए धरना पर है। और हम तो महंगाई के लिए भी हैं, आरक्षण की छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके लिए भी है। हम तो चारों तरफ से घेरने की तैयारी में, 24 में तो घेर ही नहीं पाए, 25 में घेर लेंगे। 24 में बाबू मीडिया वालों आपको पता होना चाहिए, आरजेडी का वोट प्रतिशत 9% बढ़ा है और जेडीयू का, बीजेपी का और ये लोजपा का सबका वोट प्रतिशत घटा है। ये बता रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि विधानसभा में जय 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 और जय लालू जय, लालटेन तय है, जय 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 लालटेन हो गया तय। चलिए कह रहे 25 में लालटेन तय है और ये जो लालटेन अभी बुझा हुआ है वो 25 में जल जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।